हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानीराम डाल। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें प्रोडक्शन क्या है। अगर मैं सिंपली अगर डेफिनेशन देना चाहूं तो प्रोडक्शन की, जनरली अपने को इनपुट, जैसे अपने फार्म खेत में या फिर कोई फैक्ट्री है उसके जो अंदर इनपुट्स लगा रहे हैं, इन इनपुट्स में बदलाव करके अपने क्या करेंगे, यहां से आउटपुट निकालेंगे और जो आउटपुट होगा वो उसके अंदर क्या होगा, यूटिलिटी होगी। यानी जो इनपुट है उसमें बदलाव किया, चेंजेज किया और उसमें क्या यूटिलिटी जनरेट हुई, वो अपना आउटपुट आया, ठीक है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की प्रोसेस बोला जाता है। तो आज के अपने इस लेक्चर में बात करेंगे कि ये जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को कौन कौन से फैक्टर है, वो इसके मतलब कौन कौन से इसके फैक्टर है, प्रोडक्शन के फैक्टर कौन कौन से हैं। अगर अपने इकोनॉमिकली डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, द इनपुट्स दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज इन द अटेम्प्ट टू मेक एन प्रॉफिट। देखो, अपने क्या कर रहे हैं, जो इनपुट है उसके थ्रू अपने कुछ प्रोडक्शन ले रहे, इसके इन कुछ इनपुट अपने लगाकर या कुछ इनपुट अपने डालकर उससे क्या है, कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज, यानी कोई उत्पाद बना रहे हैं या कोई सेवा दे रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, हमारा प्रॉफिट कमाना होता है, तो अपने इसको प्रोडक्शन बोलेंगे। इस प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, देखो प्रोडक्शन के फैक्टर है अपने लैंड यानी भूमि, दूसरा लेबर यानी जिसको अपने श्रम बोल देते हैं, तीसरा कौन सा है, कैपिटल, और चौथा कौन सा है, इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जैसे अपने बोल देते हैं कि कुछ नया करना, जैसे इंटरप्रेन्योर है या जो संगठन का निर्माता है या कोई फैक्ट्री का निर्माता है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी, ठीक है। उसकी जो क्रिया उसको अपने क्या बोल देंगे, इंटरप्रेन्योरशिप बोल देंगे। तो अब जनरली क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन कौन से, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्राइजेज है। हिंदी में बोले तो लैंड को बोल देंगे भूमि, लेबर को बोल देंगे श्रम और कैपिटल को बोल देंगे अपने पूंजी, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपने जैसे ऑर्गेनाइजेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी संगठन शब्द भी अपने यूज कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है लैंड, भूमि। अगर मैं सिंपली बात करूं तो देखो लैंड में क्या है, वैसे तो लैंड जब भूमि की बात आती है तो जो सरफेस एरिया आता है उसको अपने मानते हैं, जो सरफेस एरिया आता है उसको लैंड में रखा जाता है। लेकिन जब अपने इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करें, इकोनॉमिक्स के हिसाब से लैंड किसको कहेंगे, लैंड की सरफेस के ऊपर, सरफेस के नीचे, वो सब क्या है, लैंड ही है। अब देखो, सरफेस पे हम जैसे जनरली एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ले रहे हैं, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो ये सारे क्या है, ये सरफेस है, ये भी लैंड है। अब इस सरफेस के नीचे मिनरल्स है जिनको अपने क्या कर रहे हैं, मतलब उनको निकाल कर अपने जैसे फर्टिलाइजर या कोई भी किसी भी तरह से उनको अपने मतलब उनसे जैसे गोड्स बना रहे हैं या मतलब कोई वस्तुएं वगैरह बना रहे हैं, तो वो भी लैंड के अंदर ही अपने रखेंगे। कि जो मिनरल्स है जो लैंड में अपने को मिले थे अंदर, उनको भी अपने किस में रखा जाता है, लैंड में ही रखा जाता है। अब देखो, सरफेस से ऊपर अपने बात करें एटमोस्फेयर, अब एटमोस्फेयर में जो गैसों का कंपोजिशन वगैरह है वो यहाँ इकोनॉमिक्स में उसको अपने लैंड के अंदर ही रखा जाएगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। सरफेस में जैसा सोयल आ जाता है, एग्रीकल्चर लैंड आ जाता है, बिलो सरफेस में अपने बात करें तो मिनरल्स आ जाते हैं, रॉक्स आ जाते हैं, ग्राउंड वाटर आ जाता है, और अबव सरफेस में अपने बात करें तो क्लाइमेट आ जाता है, रेन आ जाता है, और जैसे स्पेस वगैरह है वो आ जाता है, तो ये सब लैंड के अंदर अपने शामिल किया जाता है। अब देखो, लैंड इज डिफाइंड एज, अगर अपने डेफिनेशन की बात करें इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तो लैंड इज डिफाइंड एज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। देखो, इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट नहीं की गई है, उसको अपने इकोनॉमिक्स में किस में रखा जाएगा, लैंड के अंदर रखा जाएगा। यानी ये फैक्टर जो है, मतलब जो हम क्रिएट कर सकते हैं उसको छोड़ के जो भी नेचुरली फैक्टर है उसको अपने क्या बोल देंगे, लैंड बोल दिया जाएगा। वैसे अपने जनरली बात करें तो देखो, ये मैन मेड तो फैक्टर है नहीं, ये कैसा है, नेचुरली फैक्टर है। अगर देखा जाए तो ये नेचर ने हमें फ्री प्रोवाइड करवाया है, यानी एक अपने पास क्या है, गिफ्ट है ये, हमें इसके लिए किसी तरह का सोशल पे नहीं करना पड़ता। वो बात अलग है कि मैं मेरा अगर जमीन का एरिया बढ़ा रहा हूं, मैं फार्म का एरिया बढ़ा रहा हूं, तो इंडिविजुअल के लिए तो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लेकिन हम सोशली बात करें तो सोशली अपने पे करने का मतलब है कि मैं आज इतने पैसे खर्च करके इस जमीन का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज कर दूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो नेचर ने हमें सरफेस एरिया दे दिया है वो ही सरफेस एरिया रहना, उससे हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, नेचर के द्वारा दिया गया हमें एक फ्री गिफ्ट है, जिसको हम सोशली पेड करके इसको नहीं बढ़ा घटा सकते हैं।
तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इट इंक्लूड्स मोर देन दैट मेयर्स सरफेस ऑफ द अर्थ। अपने अपने क्या कर सकते हैं, इसका जो एरिया है उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता है। इसमें जैसे एयर आता है, सनलाइट आती है, फॉरेस्ट आती है, अर्थ आती है, वाटर आता है, मिनरल्स आते हैं, ये सारे के सारे अपने किसमें रख लिए जाते हैं, लैंड के अंदर रख लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं मार्शल के अकॉर्डिंग, देखो मार्शल जो इकोनॉमिस्ट हुए थे तो उन्होंने लैंड का डेफिनेशन क्या दिया, उन्होंने लैंड का डेफिनेशन दिया है द मटेरियल एंड द फोर्स विच नेचर गिव फ्री फॉर मैन्स एंड इन लैंड एंड वाटर एंड इन एयर लाइट एंड हीट। ये सब किसमें आ गए, मतलब लैंड के अंदर आ गए। तो घुमा फिरा के चाहे किसी भी इकोनॉमिस्ट ने या किसी दूसरे फिलोसोफर ने कोई भी डेफिनेशन दी है लैंड की, तो ये मिलती जुलती डेफिनेशन होगी, आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेन में जो भी चीज है उसको छोड़ के जो भी बच गई उसको अपने किस में रखेंगे, लैंड के अंदर रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट अपने बात करें कि जो लैंड है उसके करेक्टर क्या है, पेक्यूलिटीज ऑफ लैंड क्या है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये चीज ध्यान देने वाली है जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। देखो लैंड के लिए आपको दो तीन बातें सबसे मेन याद रखनी है, प्रोडक्शन के फैक्टर है चार फैक्टर, उसमें सबसे पहला लैंड है। अब देखो लैंड सबसे पहला फैक्टर है, जब तक आपके पास लैंड होगा ही, जब तक आपके पास लैंड नहीं होगा तब तक आप प्रोडक्शन का कैसे सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते बिल्कुल। तो ये प्राइमरी फैक्टर है प्रोडक्शन का, जो लैंड है ये मतलब प्रोडक्शन का प्राइमरी फैक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना लैंड आप किसी चीज का नहीं प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है लैंड प्राइमरी फैक्टर है। दूसरा आपको याद रखना है एवरीथिंग वो है जो मेन मेड को छोड़कर है, मेन मेड को छोड़कर जो भी बच गया वो सारा का सारा किसमें अपने शामिल करेंगे, लैंड में। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है ये नेचुरल गिफ्ट है, ह्यूमंस के लिए फ्री है, इसमें आप सोशली पे करके आप इसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, यानी ये फ्री है एक तरह से, नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा, जब मैं मेरी खुद की बात करूंगा, मुझे अपना फार्म का एरिया बढ़ाना है, मेरी जमीन मुझे इंक्रीज करनी है, तब मुझे पे करना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल के लिए। और अगर अपने वर्ल्ड की बात करें भी, ठीक है अमेरिका या इंडिया या चाइना कोई भी कंट्री है, वो ऐसा नहीं है कि पैसे लगाकर वो और ज्यादा सरफेस एरिया कहीं पर बढ़ा लेगी, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब देखो इसकी अपने पेक्यूलिटीज की बात करें तो क्या क्या है इसमें, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमें नेचर ने फ्री गिफ्ट दिया है, इसका अपने सोशली पे करके नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा प्राइमरी फैक्टर ऑफ फंक्शन, देखो यहां था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये प्राइमरी फैक्टर है प्रोडक्शन का प्राइमरी फैक्टर है, यहां प्रोडक्शन लिख देते हैं, ठीक है प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है इसके बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तीसरी पैक्यूलिटीज की बात करें तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक का मतलब कभी सप्लाई बढ़ गई घट गई ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉपरली इन इलास्टिक है, फिक्स है, आप इसको नहीं बढ़ा घटा सकते हैं, इसकी डिमांड या सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो हमें नेचर ने दे दिया वो है। अब चाहे इसकी डिमांड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसकी जो सप्लाई है वो इन इलास्टिक है और परफेक्टली इन इलास्टिक है, यानी इसको बढ़ा घटा नहीं सकते। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तब ये इलास्टिक हो सकती है, जैसे मान लो कि मेरे पास जमीन है 25 बीघा या 25 हेक्टेयर बोल दूं मैं, ठीक है बीघा छोड़िए आप हेक्टेयर, अब मैं करना चाहता हूं 30 हेक्टेयर, तो मैं पैसे देके इसको खरीद सकता हूं, तो तब वो क्या हो जाएगी इलास्टिक, लेकिन ओवरऑल क्या होगा इन इलास्टिक। जितना अपने वर्ल्ड का एरिया है, जितना अपना वर्ल्ड का एरिया है क्षेत्रफल है, उसको अपने इंक्रीज तो नहीं कर सकते ना, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक इन सप्लाई, लेकिन इंडिविजुअल केस के अंदर यानी व्यक्तिगत केस में ये इलास्टिक होती है। नेक्स्ट अपने बात करें ग्रेड एबिलिटी का मतलब है वेरिएबिलिटी से, यानी विभिन्नता से, कहीं की जो लैंड है वो फर्टाइल है, कहीं की थोड़ी लेस फर्टाइल है, कहीं की अपने बेरन भी हो सकती है, वेस्ट लैंड भी हो सकता है, तो इसमें वेरिएशन होता है, ग्रेड एबिलिटी होती है, ये बहुत शानदार है, इसका दाम अच्छा होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी अच्छी होगी, इसकी फर्टिलिटी कम है इसकी वैल्यू कम होगी, इसमें प्रोडक्शन कम होगा, तो ये ग्रेड तो रहती है। जैसे अपने आप टाइप ऑफ सॉइल पढ़ते हैं, एलविल सॉइल है बहुत बढ़िया है जी, और जो सैंडी सॉइल है जी वो इतनी बढ़िया नहीं है, जैसे डेजर्ट सॉइल है वो इतनी बढ़िया नहीं है, तो वो ग्रेडेड है। नेक्स्ट अपने बात करें पैसिव फैक्टर, जमीन पड़ी है अपने आप पड़ी तो प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, और ये अकेला अगर ये चाहे कि मैं प्रोडक्शन कर दूं, इन
तीसरे इन तीन सॉरी तीसरे क्या इन तीन फैक्टर को छोड़ के ये अकेला प्रोडक्शन नहीं कर सकती और ये हमारे पास फिक्स है। इसके बाद ये इससे अपने क्या है ज्यादा अपने प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, ये तो फिक्स है, ठीक है, ये इतना है तो ये डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालता है प्रोडक्शन पे, इसलिए अपने बोल देते हैं ये प्रोडक्शन का पैसिव फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर नहीं है। जैसे लेबर, आज लेबर ने 6 घंटे की बजाय 8 घंटे काम किया तो वो प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसने काम नहीं किया, स्ट्राइक पे चले गए तो काम नहीं हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया, तो ये तो एक्टिव फैक्टर में आ जाता है जैसे लेबर है। लेकिन लैंड है वो एक्टिव फैक्टर में नहीं आती, वो कौन से फैक्टर में आती है, पैसिव फैक्टर में आती है। नेक्स्ट अगला जो अपने बात करें इसकी पैक्युलिटी की बात करें तो वे हैव डायमेंशनिंग रिटर्न्स। अब देखो इसमें सॉरी डिमेंसिंग रिटर्न्स, डिमेंसिंग रिटर्न का मतलब क्या है, रिटर्न धीरे धीरे कम हो सकता है। जैसे आप खेती कर रहे हैं, आप मतलब फार्मिंग कर रहे हैं तो उसकी फर्टिलिटी अच्छी थी, लेकिन लगातार आप उसमें फार्मिंग करते गए तो उससे हो सकता है कि फर्टिलिटी वीक होगी, फर्टिलिटी पुअर होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं, नेक्स्ट है हेज ए ड्राइव डिमांड, मतलब इसकी जो डिमांड है वो क्या है, एक तरह से ड्राइव डिमांड है। ड्राइव डिमांड का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड नहीं है इसकी, डायरेक्ट कोई डिमांड नहीं है। जैसे मान लो जनरली अपने बात करें कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ने की वजह से जमीन की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड बढ़ रही है। तो ड्राइव डिमांड का मतलब डायरेक्ट उसकी डिमांड नहीं है। जैसे मान लो कि कपड़े हैं, कपड़े की डिमांड बढ़ गई, कपड़ा मार्केट में खूब बिकने लग गया, तो इनडायरेक्टली किसकी डिमांड बढ़ गई, कॉटन की डिमांड बढ़ गई ना यहाँ पे, तो ये क्या है ड्राइव डिमांड है कॉटन की जो, तो इसी तरह से लैंड है उसकी जो डिमांड है वो कैसी रहेगी, ड्राइव डिमांड रहेगी। नेक्स्ट अपने बात करें नो सोशल कॉस्ट, वो मैंने आपको बता ही दिया पहले, इसकी कोई सोशल कॉस्ट नहीं है। इंडिविजुअल तो पे करना पड़ेगा, इंडिविजुअल तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन सोशल इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करें इंडेस्ट्रक्टेबल फैक्टर, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, ये खत्म तो हो ही नहीं सकता है, मतलब न खत्म होने वाला, मतलब एक हमेशा के लिए ये बना हुआ फैक्टर है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इंडेस्ट्रक्टेबल फैक्टर है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये मतलब विनाशकारी नहीं है, इसका कोई विनाश नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें परफेक्टली इमोबाइल, इमोबाइल है, ऐसा नहीं है कि मेरी जमीन है, मान लो कि मैं राजस्थान में रहने वाला हूं पर्टिकुलर गंगानगर, तो यहां पे मेरी जमीन है, कल को मैं मान लो माइग्रेट होता हूं उत्तराखंड, तो वहां मैं मेरी जमीन नहीं ले जा सकता, जो जमीन यहां पर है वो यहीं पर रहने वाली है, तो कंप्लीटली या परफेक्टली क्या है ये इमोबाइल है इसका फैक्टर। नेक्स्ट अपने बात करें साइट लोकेशन वैल्यू, साइट लोकेशन वैल्यू होती है, साइट लोकेशन वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे बाजार के नियर अबाउट मार्केट के कोई जमीन है उसकी वैल्यू ज्यादा है और डिस्टेंस पे है मार्केट से तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये मतलब इसके क्या है मतलब इसकी जो जनरल करेक्टर्स है वो है लैंड के जो मैंने आपको बताया है। उसके अलावा एक करेक्टर और भी है जैसे अर्न रेंट एज ए रिवार्ड फॉर इट यूज, मतलब ये यहाँ पे आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा आप सुन लीजिए, तो देखो इससे क्या है हम जो मतलब रेंट है वो अर्न कर सकते हैं, अर्न रेंट एज ए रिवार्ड फॉर इट्स यूज। जैसे मान लो मेरी जमीन है, मैं उसको काम में नहीं ले रहा हूं, मैं किसी को वो रेंट पे दे रहा हूं, तो उसका रेंट मिलेगा मुझे रिवार्ड की तरह, तो इसकी जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ही उसका रिवार्ड क्या मिलेगा, ज्यादा मिलता है, तो इसका रिवार्ड भी मिलता है। अब हम यहां पर एक बात कर रहे थे लैंड है उसको नहीं बढ़ा सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, जैसे ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होती है, लेकिन हम इसकी इकोनॉमिकली जो सप्लाई है वो बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो कि आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके, पहले आप साल में 2 क्रॉप ले रहे थे, लेकिन आपने मतलब क्रॉप इंटेंसिव क्रॉपिंग करनी शुरू कर दी, सघन खेती करनी शुरू कर दी, तो जहां पर साल में आप 2 क्रॉप ले रहे थे अब साल में आप कितनी क्रॉप ले रहे हैं, 3 क्रॉप ले रहे हैं, तो इकोनॉमिकली इसकी सप्लाई है वो इंक्रीज कर सकते हैं, फिजिकली इसकी जो सप्लाई है वो कभी भी इंक्रीज नहीं की जा सकती है। तो ये लैंड की पैक्युलिटी जो मैंने है वो आपको बता दी है, तो आपको ये ध्यान रखना। तो पहला फैक्टर था अपना लैंड, जिसको अपने प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं लेबर, सर अब देखो लेबर, यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लेबर और लेबर जो शब्द है वो अलग अलग है। जैसे जनरली तो अपने सिंपली तो क्या है, जैसे लेबर का मतलब समझते हैं काम,
है ना, वर्क समझते हैं और वर्कर भी समझते हैं, लेकिन जब अपने बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में लेबर एक अलग चीज है और लेबर एक अलग चीज है, श्रम और श्रमिक एक अलग चीज है। श्रमिक, जैसे मान लो कि मैं काम करने वाला हूं, मैं कोई काम करने वाला आदमी हूं, अब मेरे द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है, चाहे वो बाय हैंड है चाहे वो बाय हेड है, समझ गए होंगे, बाय हैंड है चाहे बाय हेड है, मतलब बाय हैंड है या बाय हेड है, हम चाहे कोई मानसिक काम कर रहे हैं चाहे हम फिजिकली वर्क कर रहे हैं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, हमारे द्वारा जो किया गया है वो है वर्क, यानी वो है लेबर, वो है श्रम। ठीक है, काम जरूरी नहीं फिजिकली हो, लेबर का मतलब यहां पे जनरली जैसे अपने लेबर फिजिकली जो वर्क करते हैं उनको बोल देते हैं जी ये लेबर है, कई बार बोलते हैं ये लेबर क्लास है, इकोनॉमिक्स में अपने ये नहीं बोलेंगे। लेबर का मतलब यहां पे क्या हुआ कि कोई सा भी ह्यूमन एक्ट, प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन का कोई किया गया एक्ट है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, लेबर बोल दिया जाता है। किसके द्वारा किया गया, लेबोरर जो है उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट जो है उसको अपने क्या बोल दिया जाता है, लेबर बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो जो लैंड था वो नेचुरल गिफ्ट है, ठीक है, और वो अपने लिए क्या है, एक तरह से फ्री है, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें लेबर, तो लेबर क्या है, मैनमेड है, मतलब मानव द्वारा निर्मित चीज है, तो जाहिर सी बात है इसकी हमें क्या करनी पड़ती है, कॉस्ट पे करनी पड़ती है, लेकिन इसकी कॉस्ट का एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना वैल्यू है, मतलब क्या है, एक कोई मतलब इसका प्रॉपर एक ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिसकी वजह से अपने डिसाइड कर लें कि इस काम की इतनी कीमत होती है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू एरिया, इन चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो डेवलप कंट्रियां है वहां की जो मतलब वर्क होता है तो वहां पर ज्यादा पे किया जाता है, वहीं पर अगर अपने डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वहां कम पे किया जाता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा वैल्यू है, कॉस्ट तो आपको पे करनी पड़ेगी बट ये वैल्यू है। अब देखो अपने जनरली लेबर को समझते हैं वर्क, है ना, वर्कर समझते हैं, लेबर को क्या समझते हैं, वर्कर, लेकिन अपने लेबर को वर्कर नहीं समझना चाहिए, लेबर का मतलब है श्रम, यानी वर्कर के द्वारा किया गया कोई एक्ट बाय हेड या बाय हैंड, यानी कोई मानसिक काम किया गया है या कोई फिजिकली वर्क किया गया है उसको अपने लेबर बोलेंगे, और ये जो काम कर रहा है उसको लेबोरियर बोलेंगे, तो लेबोरियर द्वारा जो लेबर की गई है उसको अपने क्या बोलाते हैं, लेबर या श्रम बोला जाता है। ठीक है, अब देखो मार्शल है, उसने क्या है क्या डेफिनेशन दी है लेबर की, एनी एक्सप्रेशन ऑफ माइंड और बॉडी अंडरगोज पार्शली और फुली विद द व्यू टू सम गुड अदर देन द प्लेजर ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क इज कॉल्ड लेबर। मतलब मार्शल ने क्या कहा, जैसे मान लो हमने कोई दिमाग से काम किया है या हमने कोई शरीर से काम किया, अपने बॉडी से काम किया है, चाहे अपने मतलब पूरा वो काम किया है चाहे अपने कुछ टाइम के लिए वो काम किया है, कुछ गुड बनाने के लिए यानी कुछ गुड्स बनाने के लिए, कुछ उत्पाद बनाने के लिए, या फिर हमने क्या किया है मतलब कुछ सर्विस देने के लिए, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, लेबर बोल दिया जाता है। अब अपने पेक्युलरिटी ऑफ लेबर की बात करें तो लेबर की क्या क्या पेक्युलरिटीज है, देखो सबसे पहले तो अपने बात करें इनसेपरेबल फ्रॉम लेबर, सॉरी इनसेपरेबल फॉर लेबोरियर, जो लेबोरियर है उससे लेबर को अलग नहीं किया जा सकता। मान लो मैं हूं वर्कर हूं तो ही काम होगा, मैं नहीं हूं तो काम कैसे होगा, जो मेरे से रिलेटेड काम है। वैसे ही कोई मान लो इंडस्ट्री है या अपना खेत है, उसमें लेबोरर यानी जो काम करने वाले आदमी है, लेबोरर है तो ही लेबर होगी, तो लेबर और लेबोरर को अलग कभी नहीं किया जा सकता, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने क्या बोलेंगे, इनसेपरेबल, मतलब इनको कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं लेबर को किससे, लेबोरर से। दूसरा है लेबर इज द प्रीसेबल फैक्टर, मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है जो खत्म हो सकता है बट घट सकता है, लेबर को बढ़ाया जा सकता है घटाया जा सकता है ना, श्रम को काम को बढ़ाया, ये तो सिंपल है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम ज्यादा मतलब काम चाहते हैं तो नंबर ऑफ लेबोरर है उसको इंक्रीज कर देंगे तो लेबर भी अपनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हम पार्ट टाइम देना शुरू कर देंगे तो लेबर अपनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, अपना श्रम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे तो क्या है, पेरिशेबल है, और इसको खत्म भी तो किया जा सकता है। मान लो कि कोई काम ही नहीं करेगा या फिर जो लेबोरर है वो चले गए, माइग्रेट हो गए, तो जाहिर सी बात है ये कम हो गया, तो ये बढ़ घट सकता है, इलास्टिक होता है। कॉस्ट ऑफ लेबर, अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर, जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, देखो इसको कैलकुलेट तो किया जाता है, लेकिन अगर अपने बात करें
तो ये थोड़ा सा वैक्यू कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर इसकी कैलकुलेशन की बात करें, कोई फिक्स इसका कैलकुलेशन नहीं है, बाकी अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू वर्क डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि जैसे कोई एजुकेटेड लोग हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा मतलब काम आता है तो उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, जिसका स्किल अच्छा है उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, जिनके पास स्किल नहीं है उनको पैसा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। डिपेंड किस पे करता है, वर्क पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं लैंड के लिए बात कर रहा था, ये पैसिव फैक्टर था लैंड, लेकिन जो लेबर है वो तो कैसा फैक्टर है, बिल्कुल एक्टिव फैक्टर है, उस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्शन। तो इसको प्रोडक्शन का कैसा फैक्टर माना जाता है, एक्टिव फैक्टर माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये एक्टिव फैक्टर मानेंगे इसको। नेक्स्ट अपने बात करें हेट्रोजीनस फैक्टर है। हेट्रोजीनस फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो हेट्रोजीनस का मतलब क्या है, जैसे लोग अलग अलग है तो उनका स्किल भी कैसा होगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। लोग अलग अलग है तो उनका स्किल भी कैसा होगा, अलग अलग। कोई जैसे मान लो फर्नीचर अच्छा बनाना जानता है, कोई मान लो कि एग्रीकल्चर मशीनरी अच्छा बनाना जानता है, कोई किसी तरह का काम जानता है, तो ये क्या है, एक तरह से हेट्रोजीनस नेचर की होती है। नेक्स्ट अपने बात करें इनपरफेक्ट मोबिलिटी। इनपरफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक तो परफेक्ट मोबिलिटी है जिसको अपने क्या है पूरी तरह से मोबाइल कर सकते हैं इधर से उधर बहुत आसानी से। जैसे मैं बात करूं जो धन है, वेल्थ है, या फिर अपने मान लो मनी है, तो उसको अपने क्या कर सकते हैं, इधर उधर ट्रांसफर करना आसान है। लेकिन लेबर को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा मतलब मुश्किल होता है ट्रांसफर, पूरी तरह से आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने क्या बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट मोबिलिटी। देखो इम्परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी के पास टीचिंग स्किल है, मेरे पास टीचिंग स्किल है, अब मुझे इंजीनियरिंग बनने का कहा जाए, तो मेरी जो लेबर है वहां पर आप ट्रांसफर करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट मोबिलिटी। तो यहां से उस काम में मोबिलिटी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पैसे की बात करूं, मेरे पास 60,000 रुपए, उसमें लैपटॉप खरीदना, अब लैपटॉप की जगह मैं क्या कर सकता हूं, मान लो कि मुझे उसकी जगह खरीदना है बाइक खरीदना, तो बाइक खरीद सकता हूं, तो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, मोबाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें इन इलास्टिक जनरल स्प्लाइज। देखो इसकी जो स्प्लाई है वो कैसी है, इन इलास्टिक है। अब देखो इलास्टिक का तो मतलब होता है जो ऊपर नीचे होती रहती है, तो लेबर की जो स्प्लाई है वो कैसी है, इन इलास्टिक। ये कैसे हो सकता है, अभी लेबर की जो स्प्लाई है वो इन इलास्टिक है। ये इन इलास्टिक इसलिए मानी जाती है क्योंकि देखो जो लेबर की सप्लाई है वो कई चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे मैं पॉपुलेशन की बात करूं, एज की बात करूं, सेक्स की बात करूं, जेंडर यानी उसके अलावा आपने उसके डिजायर ऑफ वर्क की बात करूं, या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क यानी मतलब वर्क्स के प्रति उसका मतलब एटीट्यूड क्या है, इन बातों पर डिपेंड होता है। इसलिए अपने क्या है, इनको अगर अपने क्या करना है, जैसे मान लो डिमांड बढ़ती घटती है तो फिर इसकी सप्लाई करना कुछ, मान लो आज है जैसे मान लो टीचर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टीचर बहुत ज्यादा है, अब डिमांड किसकी, इंजीनियरिंग की ज्यादा होगी, तो ये टीचर इंजीनियरिंग में कैसे जाएंगे, जल्दी से नहीं जा सकते ना, तो ये क्या है, इन इलास्टिक जनरल सप्लाई। तो ये इसलिए इसको अपने क्या बोला है, इन इलास्टिक जनरल सप्लाई बोला है। नेक्स्ट अपने बात करें ये ह्यूमन कैपिटल है। कैपिटल यानी पूंजी, तो अपने आप में ये एक पूंजी है। देखो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेरा अर्न कर रहा हूं, तो अर्न तो कर रहा हूं ना। कोई भी जैसे मान लो अपना एक इन्वेस्टमेंट है जिससे अपने प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो उसको अपने कैपिटल बोलते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। आज अपने फार्म पे अपने परिवार के 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो 5 लोग काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहां से आएगा, बेनिफिट कहां से आएगा। तो ये एक ह्यूमन कैपिटल, अपने आप में ये कैपिटल होता है, यानी एक मतलब पूंजी होती है ये। नेक्स्ट अपने बात करें यूनियनिज्म फैक्टर। ट्रेड यूनियनिज्म फैक्टर का मतलब क्या है, मतलब ये एक संगठन है, मतलब एक संगठन फैक्टर है, और एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो संगठन में रह सकता है, जो संगठन बना सकता है, मतलब ये कलेक्टिवली फॉर्म हो सकती है, मतलब कुछ वर्कर मिलकर एक ही काम को करने है, या इनके बीच भी यूनियन होती है। अब इससे क्या होता है, काम की जो एफिशिएंसी होती है, वर्क एफिशिएंसी होती है, वो भी इंक्रीज होती है एज ए टीम वर्क होता है। उसके अलावा जो उसके राइट्स होते हैं, लेबरर के जो राइट होते हैं, काम करने वाले आदमी के जो राइट होते हैं, वो भी बच जाते हैं। मान लो कि इनके बीच यूनिटी नहीं है तो इनका हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, शोषण हो सकता है, यानी एक्सप्लोइटेशन हो सकता है। तो ये चीजें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे, लैंड यानी भूमि, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, और चौथा
एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें एकमात्र ऐसा जो फैक्टर है वो क्या है, यूनियनिज्म फैक्टर है। कैसा फैक्टर है ये, यूनियनिज्म फैक्टर है, जिसमें यूनियन बन सकती है। नेक्स्ट अपने बात करें, ये ड्राइव डिमांड है। डायरेक्ट कभी लेबर की डिमांड नहीं होगी, जैसे मार्केट में ये नहीं कि लेबर चाहिए जी, ऐसा कभी नहीं है। काम कौन सा हो रहा है उससे आउटपुट कौन सा, उस प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी। जैसे मान लो मार्केट में डिमांड बढ़ गई, कोई भी कोई प्रोडक्ट है, मान लो कार की डिमांड बढ़ गई, तो कार की डिमांड बढ़ी तो कार में काम करने वाले लोगों की डिमांड बढ़ी, और उसी से अपने को क्या आना है, श्रम आना है, यानी उसी से अपने को क्या आनी है, लेबर आनी है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्ट इसकी कभी भी डिमांड नहीं आती, इसकी जो डिमांड आती है वो किससे आती है, इनडायरेक्ट आती है। नेक्स्ट अपने बात करें, मीन एज वेल एज एन एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, कोई वर्कर काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर मान लो अपने खेत में कोई वर्कर है वो काम कर रहा है, वो काम करता है जिससे सीरियल प्रोड्यूस होता है। अब हमने वो सीरियल बेचा, अब वो ही क्या है उस सीरियल को वहां दुकान पे खरीद सकता है। तो इसका मतलब क्या, मीन एज वेल एज एंड, मतलब ये क्या है, उस प्रोडक्शन को करने वाला भी है और उसको खरीदने वाला यानी एंड कंज्यूमर भी हो सकता है। ये ऐसा भी किसमें देखने को मिल सकता है, लेबर में, और लेबर भी एक प्रोडक्शन का प्राइमरी फंक्शन है। जो मतलब लेबर है वो भी प्रोडक्शन का कैसा फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। तो अपने इसको जनरली प्राइमरी फंक्शन या फिर ह्यूमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, एक प्राइमरी फैक्टर भी बोल सकते हैं और ह्यूमन फैक्टर भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट अपने बात करें कि ये जो लेबर है ये किन किन चीजों से प्रभावित हो सकते हैं, इस पर किन का इफेक्ट पड़ सकता है। रामगढ़िया यानी जिनको अपने सुथार बोलते हैं, ये मतलब समझ लो कि ये मतलब इनके अंदर ये एक मतलब क्वालिटी होती है जिसको अपने बोल सकते हैं, जैसे वंशागत इनमें गुण हो सकता है या इनहेरिट क्वालिटी हो सकती है, मतलब हेरिडिटिकल क्वालिटी हो सकती है। ये मतलब जन्म जाति क्या होते हैं, अपने आप में बहुत ही शानदार इंजीनियर होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक रेशियल क्वालिटीज हो गया। जैसे बहुत सारी आपने देखा होगा कि जातिगत लोग काम करते हैं, इस जाति का ये लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनकी स्पेशलिटी होती है, तो रेशियल फैक्टर हो सकता है। क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है, जैसे कूल क्लाइमेट है, ठीक है, तो ठीक ठाक क्लाइमेट है तो काम करना आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी है काम करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन है, जैसे रसिया में साइबेरिया जैसा है, तो उस टेम्परेट रीजन में जैसे विंटर के अंदर काम करना मुश्किल हो जाता है, तो क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है। एजुकेशन का, एजुकेशन है, कम एजुकेटेड है तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको काम मिलता है ना, तो एजुकेशन पे भी मतलब चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन है चाहे वो फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन है। उसके अलावा पर्सनल क्वालिटीज भी होती है कईयों में, जैसे ठीक है, जैसे अपने बोलते हैं ये तो इंटेलिजेंट है, ये चीज को बहुत जल्दी गैदर करता है, तो ये चीजें भी हो सकती है, मतलब जो पर्सनल क्वालिटी है वो भी, कोई आदमी होते हैं उसमें सीखने की कला बहुत तेज होती है, कई होते हैं उनको बार बार अपने को ट्रेंड करना पड़ता है, तो मतलब एक पर्सनल क्वालिटी भी हो सकती है। फैक्ट्री का या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन का या अपने फार्म की भी बात करें, उसका एनवायरमेंट भी मैटर करता है, लोगों के बीच में कॉम्बिनेशन कैसा है, टीम वर्क कैसा है, तालमेल कैसा है, ये चीजें भी मतलब इफेक्ट तो डालती है। उसके अलावा यूनियन जैसे है, ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो यूनियन है वो किस तरह की है, उनके बीच में बैलेंस कैसा है, और उसके अलावा सोशल और पॉलिटिकल जो फैक्टर है वो भी मैटर करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो लेबर पर इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो फैक्टर है वो है अपना कैपिटल। देखो कैपिटल की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। आपको सिंपली मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको हो सकता है समझना आसान हो जाए। मान लो मेरे पास कार है, वो वेल्थ है, धन है मेरा, ठीक है, अभी वो कैपिटल नहीं है, अभी वो सिर्फ वेल्थ है, ठीक है। अब मैं उस कार को टैक्सी में चला दूं, मेरे बिजनेस में मैंने क्या कर दिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया, अब मैंने उसको टैक्सी में चला दिया, तो अब वो क्या हो गया, अब वो कैपिटल हो गया, पूंजी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिंपली समझने का तरीका, इसका मतलब हुआ किसी गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए जो भी आप उसमें इनपुट दे रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, कैपिटल है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल कहलाएंगे। समझ में आ गई बात, जैसे मेरे पास कार थी वो अभी कैपिटल नहीं था, मैं पर्सनल यूज कर रहा था, वो मेरा वेल्थ है, मेरा धन है। अब मैंने उसको क्या कर दिया, टैक्सी किराए में दे दी, अब मेरे को उससे अर्निंग स्टार्ट हो गई, मेरा बिजनेस और बढ़ गया, तो मैंने उसमें वो एज इन्वेस्ट किया है,
तो प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट्स दोगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। तो ये कैपिटल होता है, सिंपली आपको ये समझना है कि ये कैपिटल होता है, ठीक है। देखो कैपिटल जो होता है वो एक धन का पार्ट होता है, कैपिटल जो है वो एक धन का पार्ट है। जितना भी कैपिटल है, जितनी भी पूंजी है, वो सब क्या है, धन है। भी आज जैसे मान लो कि लेबर ला के लगाई, हम सॉरी लेबरर है, काम करने वाले लोग हैं, उनको लगाया, वो हमारा धन है, वो काम कर रहे हैं। हमने जमीन लगाई प्रोडक्शन के लिए, वो भी हमारा धन है। हमने कार को टैक्सी के रूप में चलाया, वो भी हमारा धन है। तो कोई भी कैपिटल है वो सारी की सारी वेल्थ है, लेकिन सारी वेल्थ कैपिटल कभी नहीं हो सकती है। जैसे मैंने बात की, जब तक मैं कार मेरी पर्सनल यूज कर रहा हूं तब तक वो मेरी वेल्थ ही कैपिटल तो नहीं है। तो कैपिटल क्या है, हमेशा वेल्थ होगा, वेल्थ हमेशा कैपिटल हो, ये जरूरी है। कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ, जो कैपिटल है वो क्या है, एक वेल्थ का पार्ट है। विच इज यूज फॉर प्रोडक्शन, जिसको अपने क्या है, प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसको अपने उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। तो ये सिंपली समझने के लिए तो जनरली ये सफिशिएंट है। नॉर्मली कैपिटल मीन इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन बिजनेस। नॉर्मल अगर आप इसका मीन्स निकालने जाते हैं या नॉर्मली इधर उधर सुनते हैं, तब आप ये सोचते हो कि अपने बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हैं वो क्या है, कैपिटल है। इतना ही नहीं है कैपिटल, बट इन इकोनॉमिक्स मनी बिकम कैपिटल, पैसा कैपिटल बन सकता है। अगर मैंने सेव कर रखा है तो वो कैपिटल का ही क्या, फिर तो वो तो धन है, वो तो क्या है, वेल्थ है। बट इन इकोनॉमिक्स मनी बिकम कैपिटल ओनली व्हेन इट यूज टू परचेज रियल कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट्स मशीनरी। अगर अपने प्रोडक्शन के लिए कोई प्लांट खरीद रहे हैं, कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, या लेबर जो है, वर्कर है, उनको पैसे दे रहे हैं, तब वो अपनी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगा, मतलब तब अपनी वो पूंजी हो जाएगी। When money is used to purchase capital goods, it become money capital. अगर हम उस पैसे को मतलब कुछ खरीदने में लगा रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, तब वो क्या है, मनी कैपिटल हो गया। लैंड है, उसको अपने मतलब क्या है, प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कैपिटल ही हो गया अपने आप में। जैसे अपने घर में कोई व्हीकल है, उसको अपने प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, अपने आप में एक कैपिटल हो गया। अब देखो जो कैपिटल है वो जनरली दो तरह की हो सकती है, एक तो ह्यूमन कैपिटल हो सकती है और दूसरी जो है वो फिजिकल कैपिटल हो सकती है। लेबर है वो अपने आप में कैसी बदलो कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है। लेबर भी कई तरह की होती है, जैसे अनस्किल्ड होती है, उसको ट्रेनिंग देके थोड़ा बहुत उसमें स्किल डेवलप किया जाता है। जैसे मान लो रोड वगैरह साफ करने वाले या अपने ऑफिस में या घरों में सफाई करने आते, तो वो अनस्किल्ड है। एक होते हैं सेमी स्किल्ड होते हैं, उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। तो जैसे मान लो इंजीनियर वगैरह के साथ में जो असिस्टेंट होते हैं, तो वो सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड होते हैं। जैसे इंजीनियर वगैरह होते हैं तो उनको अपने स्किल्ड बोल देते हैं। एक प्रोफेशनल होते हैं, जैसे प्रोफेशनल की मैं बात करूं तो डॉक्टर है, टीचर है, तो वो प्रोफेशनल क्या है, मतलब वो प्रोफेशनल लेबर करते हैं एक तरह से। तो ये जो है, ये सारे के सारे क्या है, ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। जैसे उसका नॉलेज है, उसकी स्किल है, उसकी एबिलिटी है, उसकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, और उसके जो लाइफ एक्सपीरियंस है, वो सब किस में आ जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल में। फिर आती है फिजिकल कैपिटल। तो देखो फिजिकल कैपिटल में क्या आती है, एक आपने देखा होगा फिक्स कैपिटल होती है। जैसे हमारी जो लैंड है वो क्या है, फिक्स कैपिटल है, ठीक है। लैंड है, उसको अपने किस में रखेंगे, फिक्स कैपिटल है वो, मतलब अब बढ़ने घटने वाली नहीं है। उसके अलावा आपने बात करें तो देखो जनरली एक होती है अपनी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जिसको अपने क्या है, ऊपर नीचे जो होती रहती है, जिसको घटा बढ़ा सकते हैं ना, जो मतलब जिसको घटा बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लो कि अपने वर्कर है, वो अपनी क्या है, एक वर्किंग कैपिटल है। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं कि जैसे अपने खेत में फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो वो क्या है, अपनी क्या है, वर्किंग कैपिटल है। अपने पास जो केस है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। उसी तरह से अपने फिक्स कैपिटल में बात करें खेत में, तो ट्रैक्टर जो है, मशीनरी है, वो सब किस में आ गए, मतलब फिक्स कैपिटल के अंदर आ गए। लैंड है, वो भी फिक्स कैपिटल, लैंड फिक्स कैपिटल का बहुत बड़ा एग्जांपल है। केस है, वो वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा एग्जांपल है। एक होता है वेंचर। वेंचर क्या होता है, वो पैसा जो हमने अपना काम शुरू करने में खर्च दिया है,
मशीनरी लाने में खर्च दिया है, इनपुट के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस मतलब कोई भी स्टार्टअप के लिए अगर अपने इन्वेस्ट कर दिया है तो उसको अपने क्या बोल देंगे, वेंचर कैपिटल बोल देंगे। एक होता है फिक्स यानी स्थायी पूंजी जैसे भूमि है, दूसरा वर्किंग, वर्किंग को अपने हिंदी में जनरली बोल दिया जाता है कार्यशील पूंजी बोल दिया जाता है। तो कार्यशील पूंजी में अपने जैसे मैंने बताया केस आ जाता है या फर्टिलाइजर आ जाते हैं या वर्कर आ जाते हैं। और उसके अलावा एक होती है वेंचर, वेंचर वो होती है जो मतलब उसको अपने हिंदी में बोलते हैं डूबती पूंजी, जो अपने स्टार्टअप करने के लिए जो खर्च दी है तो उसको अपने क्या बोल देंगे, वेंचर बोल दिया जाता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल के क्या करेक्टर है। मैनमेड फैक्टर जाहिर सी बात है, नेचुरल फैक्टर नहीं है, वेल्थ का ही पार्ट होता है कैपिटल जो होता है। वेल्थ और कैपिटल में तो धन और पूंजी में तो अर्थ पता लग गया होगा, पैसे अपने घर सेविंग पड़े हुए वो कैपिटल नहीं है, वो क्या है, वेल्थ है। जब अपने काम में उनको इन्वेस्ट कर दिया तब अपने उसको क्या बोल देंगे, कैपिटल बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव फैक्टर, ये एक प्रोडक्टिव फैक्टर है। ठीक है, मतलब इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है उसकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। इलास्टिक इन सप्लाई, मतलब सप्लाई के मामले में पूर्णतः क्या है, ये इलास्टिक है। जो फॉर्मेशन प्रोसेस है, जनरली मैं बात करूं सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड अपॉन द कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस, कैपिटल जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उस पर डिपेंड करती है पूरी की पूरी। कैपिटल फॉर्मेशन जो प्रोसेस है उसका मतलब क्या है, हमने कैपिटल किस तरह से फॉर्म की है, उसके लिए अभी अपने नेक्स्ट मैं बताता हूँ दो तीन तरीके जैसे अपने जनरली काम में लेते हैं, जैसे सेविंग करते हैं या जैसे गवर्नमेंट अपने से टैक्स लेती है तो उस पर डिपेंड करेगा। कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड ऑन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिपेंड किस पे करता है, सेविंग और फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, सॉरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, बताते हैं अभी। तो इसकी सप्लाई है वो पूर्णतः कैसी होती है, इलास्टिक होती है, ड्यूरेबल होती है, मतलब लंबी चलने वाली होती है। ठीक है, इजी मोबाइल है, सबसे ज्यादा जो मोबाइलिटी होगी वो किसकी होगी, कैपिटल की होगी। आपको कुछ खरीदना है, कहीं से भी खरीदना है, पे यहां से कर दोगे ना, आपका प्रोडक्ट वहां से आ जाएगा, तो इसको इजी मोबाइल किया जा सकता है, बहुत आसान है। और ये ड्राइव डिमांड है, ये डायरेक्ट डिमांड नहीं है, ये डायरेक्ट ड्राइव डिमांड है। कैपिटल की डिमांड नहीं होगी मार्केट में, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड होगी, प्रोडक्ट की डिमांड होगी, प्रोडक्ट अपने जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अपने कैपिटल उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अब बात आती है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जो कैपिटल है पूंजी है वो कैसे बनाई जाती है। देखो इसमें एक तो होता है क्रिएशन ऑफ सेविंग, मतलब अपने को सेविंग करनी है। अब ये सेविंग कैसे हो सकती है, एक तो वॉलेंट्री सेविंग होती है, वॉलेंट्री सेविंग का मतलब होता है जैसे आप नॉर्मली जो सेविंग कर रहे हैं वो वॉलेंट्री सेविंग में आ जाता है, नॉर्मली जो सेविंग कर रहे हैं बिना किसी दबाव के वो वॉलेंट्री सेविंग के अंदर आ जाता है। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री या फोर्स्ड सेविंग, जैसे गवर्नमेंट अपने से टैक्स लगा के जो अपने मतलब स्टेट है या नेशन है उसके अंदर जो सेविंग की जाती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, इनवॉलेंट्री या फिर फोर्स्ड सेविंग बोल दिया जाता है। एक होता है गवर्नमेंट बोरोइंग, जैसे अपने लोन वगैरह ये सब चीजें क्या है, गवर्नमेंट से एक उधारी आ जाती है तो उससे अपने कैपिटल क्या है, फॉर्म की जा सकती है। तो तीन तरीके हो गए, वॉलेंट्री सेविंग से अपने कैपिटल जनरेट फॉर्मेशन कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री यानी फोर्स्ड सेविंग यानी जो हमारे पर सरकार टैक्स वैक्स लगाती है तो उससे अपने सेविंग होती है, जो चाहे अपने स्टेट की हो रही है चाहे अपने नेशन की हो रही है। तीसरी होती है गवर्नमेंट बोरिंग, जैसे अपने बैंक से लोन आरबीआई जो अदर बैंक है उनके थ्रू अपने लोन वगैरह जो भी लेते हैं तो ये गवर्नमेंट बोरिंग हो जाएगी ना। तो अब ये क्या है, मतलब ये हो गया अपने जनरली क्या हो गया क्रिएट ऑफ सेविंग, हमने सेविंग क्रिएट की। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर सेविंग, अब अपने क्या करेंगे, जो सेविंग है उसको मोबिलाइजेशन करेंगे यानी उसको इधर उधर घुमाएंगे यानी उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब उसका जब इन्वेस्टमेंट होगा तब क्या होगा, उससे प्रोडक्शन जनरेट होगा, प्रोडक्शन जनरेट होगा, लोग उसको परचेज करने के लिए उसके लिए पैसा खर्च करेंगे, फिर से क्या होगा, एक कैपिटल जनरेट होगा। तो ये कैपिटल जनरेशन की मतलब प्रोसेस होती है। पहला काम क्या करोगे आप, सेविंग करोगे, सेविंग के बाद मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मतलब जो सेविंग है उसको इधर उधर घुमाओगे, उसको फिक्स नहीं करना है यानी उसको इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो उससे भी क्या होगा, कैपिटल फिर से जनरेट होगी। तो ये यहाँ पे अपने बात होगी कैपिटल पूंजी की। चौथा जो फैक्टर है प्रोडक्शन का वो है एंटरप्रेन्योरशिप। देखो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, अब देखो लैंड लेबर कैपिटल अलग अलग फैक्टर है, ये अलग अलग पैलेस पे है। अब इनको अपने जो कंबाइंड कर रहे हैं
इनको अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये काम जो कर रहा है उसको अपने एंटरप्रेन्योर बोल दिया जाता है, उसको अपने क्या बोल दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर बोल दिया जाता है। तो ये अपने तीन फैक्टर है, उनको क्या करना है, एक तरह से असेंबल करना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर सेटरेट, अलग अलग है, ठीक है, एट डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह पर है, ठीक है। ऑल दिस फैक्टर हैव टू असेंबल टुगेदर, मतलब इन सभी फैक्टर को अपने क्या कर रहे हैं, एक साथ असेंबल कर रहे हैं। दिस वर्क इज डन बाय एंटरप्राइजेस थ्रू एंटरप्रेन्योर्स, तो इस काम को किसके थ्रू किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है, एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। देखो एंटरप्रेन्योर जो शब्द है वो फ्रेंच वर्ड है, ये जो वर्ड है वो कहां से आया है, फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है। फ्रेंच के अंदर इंटरप्रेंडर जो वर्ड होता है उससे लिया गया, इसका मतलब होता है अंडरटेक सर्टन एक्टिविटी, यानी कुछ एक्टिविटी को अपने अंडर में लेना है, ठीक है। अब देखो जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, जितने भी तीन प्रोडक्शन के फैक्टर थे उनको असेंबल किया जाता है एक साथ साथ, ठीक है। उसके साथ क्या है, जो एंटरप्रेन्योर होता है जनरली उसके लिए क्या होता है, एक तरह से अनसर्टिनिटी होती है, तो वो प्रॉफिट भी पा सकता है और उसका लॉस भी हो सकता है। ये एक तरह से इसका मतलब क्या हुआ, जो एंटरप्रेन्योर है उसके काम के द्वारा मतलब नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। एक ये रिस्क बियरिंग फंक्शन है, आपसे पूछ लें कौन सा फंक्शन है वो रिस्क बियरिंग है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो फंक्शन है वो कैसा होगा, रिस्क बियरिंग फंक्शन कहलाएगा। अब अपने बात करें कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर है उसकी क्वालिटी क्या होगा, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, मतलब जो भी है मतलब प्रोडक्शन के फैक्टर है उनको ऑर्गेनाइज करना, ना उनको व्यवस्थित करना, उनके बीच के अंदर बैलेंस एस्टैब्लिश करना, यानी उनके बीच में तालमेल बनाना। दूसरा है प्रोफेशनल अप्रोच, उसके किसी प्रोजेक्ट के लेके या जो प्रोडक्शन है उसको मतलब प्रोडक्शन में क्वालिटी देने के लिए, प्रोडक्शन में स्टेबिलिटी देने के लिए, प्रोडक्शन मार्केट में चैलेंज करने के लिए उसकी जो अप्रोच होती है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। रिस्क बियर कैपेसिटी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। उसके अलावा इनोवेटिव होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ नए करने का जुनून होगा। और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनोवेशन, उसके बाद है रिस्क बियरिंग, तो वो कुछ नया करने वाला होगा, नया करने वाला होना चाहिए। मार्केट में हमेशा लोगों का टेस्ट एक ही नहीं बना रहता, चेंजेस होते रहते हैं। इवन आपने देखा होगा कोई भी फूड है उसके पैकेट है वो भी उनकी जो पैकिंग है वो भी चेंज होती रहती है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ वेरिएबिलिटी चाहते हैं, तो क्या है हमेशा कुछ ना कुछ अपने को नए नए डिसीजन में करने वाले होने चाहिए। जैसे अपने जो बिजनेस है उसके अंदर डाइवर्सिटी ला रहे हैं तो उसके लिए डिसीजन मेक होना चाहिए, कोई लॉस हो गया कोई बेनिफिट हो गया, ऑन द मतलब 8% को डिसीजन लेना पड़ रहा है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो इन चीजों के लिए मेंटली क्या होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, तभी डिसीजन मेकिंग आएगी। उसके अलावा उसके अंदर नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए, मतलब किसी चीज को नेगोशिएट करने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसमें क्या होता है, वो अपने जो आइडिया है उनको लॉन्च करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। अब उसके आइडिया है उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेज है वो स्मूथली वर्क करे और आउटपुट है वो मतलब जो हम प्री मतलब एक तरह से पहले से जो डिसाइड करके चल रहे हैं भी हम यहां से कुछ इतना प्राप्त कर लेंगे या कुछ ऐसा, तो जो टारगेट है और जो प्रेजेंट प्रोडक्शन है उसके बीच बड़ा गैप नहीं जनरेट हो, सब स्मूथ वर्क करनी होनी चाहिए। व्हाट वेयर हाउ, मतलब क्या कहां पर और कैसे करना है ये उसके लिए क्लियरिटी होनी चाहिए, इनके लिए डिसीजन लेने की पावर उसके अंदर होनी चाहिए, रिस्क लेने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशन के जो सेगमेंट है उनको ज्वाइंट करने वाला होना चाहिए या ज्वाइंट रखने वाला होना चाहिए। तो कुल मिला के अपने ये यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की है, इसमें लैंड है जो प्राइमरी फंक्शन है प्रोडक्शन का, लेबर भी प्राइमरी फंक्शन है, लैंड है वो पैसिव फैक्टर है, लेबर है वो बिल्कुल एक्टिव फैक्टर है, और जो कैपिटल है वो भी एक्टिव फैक्टर है यानी प्रोडक्टिव फैक्टर है,
और एंटरप्रेन्योरशिप है, ये भी क्या है, अपने आप में एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन का। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, इनका अपने एक मोटा मोटा व्यू का डिस्कस कर लिया गया है। नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। थैंक यू।